हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेडीज़ बैग की कटिंग करने वाले हैं। लेडीज़ पर्स कहिए आप, हम उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये मेरे पास मेन फैब्रिक है और ये मेरे पास लाइनिंग के लिए कपड़ा है। अब हम कटिंग शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये पेपर लिया है, ये देखिए फ्रेंड्स, और ये ऊपर की तरफ इसकी बंद साइड है और आगे की तरफ इसकी खुली साइड है। तो यहाँ से हम गिनते हैं। तो यहाँ से मैं गिन रही हूँ, करीबन 14.5 इंच है ये। तो ये मैं पूरा ले रही हूँ, पूरे में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 14.5 इंच है। और यहाँ से हम गिनते हैं करीबन 5.5 इंच, और यहाँ से भी मैं गिनती हूँ 5.5 इंच। अब स्क्वायर को हम पूरा करते हैं। तो इस तरह से मैंने ये स्क्वायर पूरा कर लिया। अब हम इसको कट करते हैं। तो इस तरह से अब ये बंद साइड है हमारी। हम पेपर को डबल करते हैं। अब यहाँ पर हमारी बंद साइड है और यहाँ पर खुली साइड है। तो खुली साइड से हमें, मैं यहाँ पर गिन रही हूँ 2 इंच, थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे 2 इंच से। मैं यहाँ पर गिनती हूँ 2.25 इंच, और यहाँ पर भी हम गिनेंगे 2.25 इंच, और यहाँ से हम इसे थोड़ा सा गोला कर दे देंगे। अब हम इसको कट करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये हमारा पर्स का बेस बन गया है। तो इस तरह से कुछ ये लगेगा। तो इस तरह से ये पर्स का हमारा बिल्कुल बेस बन गया है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो इस तरह से ये मेन फैब्रिक पे रख के हम इसको पहले यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मेन फैब्रिक से कट किया है। अब लाइनिंग के फैब्रिक से भी हमें सेम इसी तरह से कट करना है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर लाइनिंग का फैब्रिक रखती हूँ। इसके ऊपर रख के हम इसे ड्रॉ कर लेंगे और कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों भी पीस मैंने कट किए हैं। अब हमें, मेरे पास ये थोड़ा सा कड़क वाला बुकरम है, आप देख सकते हो। तो इसके अंदर से भी हम सेम इसी तरह का एक शीट कट कर लेंगे। तो इस पर भी हम इस तरह से रख कर इसे ड्रॉ करेंगे और इसमें से भी एक कट कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, ये भी मैंने कट कर लिया। अब ये इस तरह से हमारा लाइनिंग का कपड़ा इसके ऊपर रहेगा और मेन फैब्रिक इस तरह से रहेगा। अब हमें इसकी पॉकेट की कटिंग करनी है। तो पॉकेट के लिए मैं यही पेपर यूज़ करूँगी जो मैंने पहले कट किया था। तो इस पे भी हम इस तरह से गिन लेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पर मैं गिन रही हूँ 7.5 इंच। तो यहाँ से मैंने गिन लिया 7.5 इंच। अब हम इसे कट करते हैं।
तो ये वाला पेपर हमारा ये इस तरह से, ये जो हमारी पॉकेट है ये यहाँ पर बन जाएगी और ये हमारा फ्लैप रहेगा। तो मैं इसकी कटिंग करती हूँ। तो सेम हमने जैसे इसकी इसकी और इसकी कटिंग करी है ये तीनों कपड़ों की, उसी तरह से हमें इसकी भी कटिंग करनी है। इसे भी हम ड्रॉ करके कटिंग करेंगे। तो ये देखो फ्रेंड्स, इन भी तीनों पार्ट्स की मैंने कटिंग कर ली है, एक दो और ये एक तीसरा पार्ट है। तो इस तरह से मैंने ये सब पार्ट की कटिंग की है। अब हम इनकी पॉकेट्स की कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पॉकेट की लेंथ देखती हूँ। तो यहाँ पर हम 10.5 इंच की पॉकेट्स बनाएंगे। तो पॉकेट्स के लिए हम लाइनिंग का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मेरे पास लाइनिंग का कपड़ा है। तो यहाँ पर मैं गिन रही हूँ 10.5 इंच। और यहाँ से मैं गिन रही हूँ करीबन 7 इंच। तो यहाँ पर मैं 7 इंच गिन रही हूँ और यहाँ से फिर से हम गिनेंगे 10.5 इंच। तो ये एक स्क्वायर ब्लॉक हम कट कर लेंगे इसका। तो ये स्क्वायर ब्लॉक को हम कट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पॉकेट्स कट कर लिए इसकी। तो यहाँ पर मैंने पॉकेट्स के लिए 1 2 3 4 चार पीस लिए हैं। यहाँ पर चार पीस में हमारी एक पॉकेट बनेगी। इसकी लेंथ मैंने आपको बताई थी 10.5 इंच, यहाँ से 10.5 इंच और यहाँ से करीबन मैंने लिया था 7 इंच। तो ये वाला हमारा एक पॉकेट बन गया और ये एक मैंने पॉकेट के लिए कट किया है। तो इसकी लेंथ है 9 इंच और 6.5 इंच। तो इस तरह से मैंने ये एक पॉकेट लिया है और ये एक पॉकेट हम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने चार पीसेस लिए हैं पॉकेट्स के लिए। तो इस तरह से मैंने ये चार पीसेस पॉकेट्स के लिए लिए हैं। यहाँ पर मैंने जिप ली है। इस तरह से मैंने 2-3 जिप्स ली है यहाँ पर। और अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। जो हमारा साइड में बेल्ट लगेगा ऊपर की तरफ, उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट के लिए ये पट्टियाँ काट ली है। तो यहाँ पर जितना भी लंबा हम बेल्ट सिलेंगे, जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो मैं आपको दिखा दूँगी कि मैं कितना बड़ा बेल्ट रखूँगी इसका। तो यहाँ पर मैंने ये पट्टियाँ कट की है करीबन 3-3 इंच की। ये 3 इंच की यहाँ से और यहाँ से ये लेंथ जितनी आपकी रहेगी आप उतना ले लीजिए। तो ये मैंने पट्टियाँ कट की है बेल्ट्स के लिए। साथ ही में इसमें भी हम जोड़ने के लिए, ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इसमें से भी हम 3 इंच और इसी तरह की लंबी पट्टियाँ कट करेंगे। तो मैं यहाँ से इसकी दो पट्टियाँ कट कर लूँगी जो हम अंदर की साइड में रखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसकी भी पट्टियाँ, दो पट्टियाँ काट ली है इसी फैब्रिक से जो मेन फैब्रिक है हमारा। और यहाँ पर मेरे पास इस तरह की कुछ कड़ियाँ हैं जो हम बैग में अटैच करेंगे। तो इस तरह की हमारी ये कटिंग हो गई है बैग की। तो मेरी अगली वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे पूरी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।